श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का जो साधना है वो बड़ा महत्वपूर्ण साधना है, बहुत सिंपल साधना है। और ये साधना मतलब ऐसे नाम से तो लगता है कि महाभूतनी कुल सुंदरी कवच, मतलब कि कोई निम्न स्तर के देवी देवताओं की पूजा हम कर रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये किसी भी निम्न स्तर की जो शक्तियां हैं, चाहे वो महाभूतनी हो, महाभूतनी मतलब भूतों में भी जो सबसे प्रकांड भूतनी हो, भूतनी सुंदरी, भूत सुंदरी, ये भी प्रकार होते हैं सुंदरियों के। मतलब जैसे परी होती है, यक्षिणी होती है, गंधर्व होते हैं, राक्षस होते हैं, वैसे ही सुंदरियां होती हैं। और सुंदरियों में भूत सुंदरी, महाभूत सुंदरी, हाँ महाभूतनी सुंदरी, इस तरह का भी व्याख्यान मिलता है। तो इनका जो है तांत्रिक प्रयोग किया जाता है लोगों को परेशान करने के लिए, कष्ट देने के लिए, कुल का नाश करने के लिए, शारीरिक पीड़ा पहुंचाने के लिए, आपके व्यापार को नष्ट करने के लिए, या फिर किसी भी तरीके की अगर शक्ति है जो इनसे निम्न हो। जैसे मैंने पहले भी जब बंधन का विधान बताया था साधनाओं में, तो मैंने बताया था कि जिस शक्ति की आप साधना कर रहे हैं बंधन, उससे निचले स्तर का होना चाहिए। उसी सिद्धांत पे चलते हुए अगर आप महाभूतनी कुल सुंदरी कवच की सिद्धि कर लेते हैं, जो 3 रातों में होती है, और उसके बाद सिर्फ दिन में 7 बार पढ़ते हैं, तो आप किसी भी तरीके की मायावी शक्ति से दूर होते हैं, किसी भी तरीके के शक्ति प्रयोग से आप हमेशा मुक्त रहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको करने का विधान बड़ा ही सिंपल है। इसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत विशेष चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए एक सरसों तेल का दिया दक्षिण दिशा, जहाँ पर आकाश दिखता हो, 3 अगरबत्ती। आप देखिएगा कि मैक्सिमम जो मसानी क्रियाएं होती हैं या फिर जो उग्र देवी देवताओं का जब हम आवाहन करते हैं तो सामग्री यही रहती है। और साथ में हम दही बड़ा का भोग देंगे, क्योंकि इसमें उन्नत भैरव का आवाहन होता है। ठीक है, तो किसी भी अमावस्या के दिन शुरू करके 3 दिन तक आप इसका जाप करेंगे। 1 दिन में 300 बार, क्या 1 माला में 108 होता है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमें 3 माला नहीं करना, हमें 300 जाप करना है। और उसके बाद 1 महीने तक 7-7 बार रोज़ इसका जाप करेंगे, और उसके अगले अमावस्या को इसका दशांश हवन करेंगे। मतलब कितनी बार? मात्र 30 बार। किन किन सामग्री से? तो सरसों तेल में काला तिल और काला उड़द दोनों मिला करके, उसके बाद उस सरसों तेल से हम पीपल की समिधा अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जो समिधा मिलती है उस समिधा में आप 30 बार आहुति दे करके इसको पूर्ण करेंगे। एक बार जब 1 महीने बाद ये पूर्ण हो जाता है तो रोज़ 7 बार इसका जाप करेंगे। ये आपको हर तरह की जो बलाएँ हैं, जो जादू है, जो छोटे मोटे तांत्रिक प्रयोग लोग करते हैं, टोटके करते हैं, उससे आपको बचा के रखेगा। मंत्र क्या है? मंत्र सुनिए। ओम महामंगलमयी जंगलमयी शमशानादि आसन प्राणी या याम भूतनी स्वामिनी नजर यान्ति भैरव क्रोंधी नमस्तुते चतुर्थी दिशा वाहिनी भार्यंती नमः नमः उन्मत भैरव नमः नमः। ठीक है, तो इस पूरे मंत्र में आप देखिएगा कि मंगलमयी जंगलमयी, क्योंकि महाभूतनी है, कुल सुंदरी है, ठीक है, उनका व्याख्यान दिया हुआ है। उनको नमस्कार करने के बाद उन्मत भैरव का आवाहन किया गया है कि जब आप किसी ऐसी शक्ति का आवाहन करते हैं तो आपके लिए भी बंधन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जो गुरुमुख है उनके लिए बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस तरह की साधना में जो गुरुमुख लोग होते हैं वो तो गुरु मंत्र का 7 बार शुरुआत में जाप करते हैं, ये तो अनसेड रूल है। ठीक है, तो आपको भी अगर गुरुमुख हैं तो गुरु मंत्र का 7 बार जाप करके उसके बाद इस साधना को शुरू करेंगे। मंत्र सुनिए फिर से। ओम महामंगलमयी जंगलमयी शमशानादि आसन प्राणी या याम भूतनी
स्वामिनी नजर यान्ति भैरव क्रोंधी नमोस्तुते नमस्तुते। देखो आप अगर नमोस्तुते का उच्चारण ना करके नमस्तुते का भी उच्चारण करोगे तो चलेगा, नमस्तुते नमस्तुते। चतुर्थी दिशा वाहिनी भार्यन्ति भार्यन्ति नमः नमः उन्मत भैरव नमः नमः। मुझे लगता है कि इसका 300 जाप करने में घंटे भर लगेंगे, ठीक है। तो 11 बजे मध्य रात्रि में शुरू करना, दक्षिण की दिशा रखना, कमल का आसन रखना, दीपक जलाना, अगरबत्ती जलाना, नवेद लगा लेना। एक चीज़ होता है कि जब आप इस तरीके की साधना करते हैं तो अगर पहले कभी आपने साधना कर रखी है तो उसका भस्म जो है अपनी माला में, अगर माला नहीं है तो हाथ में भस्म मल लेना चाहिए, और साथ में अगर इत्र है आपके पास तो इत्र मलना चाहिए। जिसके पास माला है जो वो 8 की काउंटिंग को मैनेज कर लेंगे, वो अपने माला में भस्म और इत्र लगाएंगे। जो हाथ पे गिनती करेंगे वो हाथ में भस्म और इत्र लगाएंगे, ठीक है। एक बार और मंत्र बोल दे रहा हूँ। ओम महामंगलमयी जगलमयी शमशान आदि आसन प्राणी यायाम भूतनी स्वामिनी नजर यान्ति भैरव क्रोंधी नमस्तुते नमस्तुते। चतुर्थी दिशा वाहिनी भार्यन्ति भार्यन्ति नमः नमः उन्मत भैरव नमः नमः। उन्मत भैरव का बड़ा महत्व है। महाकाली को जब भोग पड़ता है, जब महाकाली का आवाहन होता है, तो सबसे पहले चिता पर जो भी बलि पड़ती है उसको चिता पर लिटा करके या फिर हवन कुंड में डाल करके बलि को, हवन कुंड को श्मशान बनाया जाता है, और उस श्मशान में फिर उन्मत भैरव का आवाहन होता है। उन्मत भैरव के आवाहन के बाद ही महाकाली जागृत होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो उन्मत भैरव की बड़ी कथा है, बड़ी व्याख्यान है तंत्र में, लेकिन उन्मत भैरव की पूजा हम लोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि काल भैरव को पकड़ के रखा है तो दूसरे की आवश्यकता हमें पड़ती नहीं है। मतलब सब अष्ट रूप तो सारे काल भैरव में ही आते हैं, है ना। तो इस साधना को आप लोग कीजिए, जो भी तंत्र मंत्र यंत्र किसी भी तरीके के बाधा से पीड़ित हैं वो इससे मुक्त हो जाएंगे। और अगर किसी पीड़ित को आपको हटाना है तो जल में इस मंत्र को पढ़ के 7 बार 3 बार फूंक मार के जो भी पीड़ित है उसको पिलाएंगे। और अगर कोई घर में दोष है, बाधा है, तो उस घर में इसी जल को फूंक करके और उसके बाद छींटा मारेंगे। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है। नंबर है 9431188585। इसका शुल्क 2100 रुपये महीने है। और साधना का जो भी शुरुआती आयाम है इसमें हम आपको सिखाते हैं। जिनको मेरे द्वारा लिखे गए लेख या आगामी कार्यक्रम के बारे में जानना है वो www.aghortantrahasya.com पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप वहाँ पर मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। महाभैरव आप सभी पर कृपा बरसाए ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।